केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हमारे साथ हैं। कौशल जी, एक बार फिर से राहुल गांधी को राहत मिली। उन्होंने कहा फिर वही जंग और फिर वही शुरुआत और वही संग्राम वो फिर से शुरू करेंगे। वही जंग वही संग्राम अगर शुरू करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि अपनी भाषा और बोलचाल में परिवर्तन नहीं लाना चाहते राहुल जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब तक के केस पेंडिंग है तब तक के लिए उनको राहत देने का काम किया है, स्टे किया है उसको। और जो भाषा है या बातचीत का जो उनका तरीका है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उनको चेतावनी देने का काम किया है कि उस पर उनको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन अगर इस पर वो कंट्रोल नहीं करते तो एक राजनेता के रूप में कांग्रेस पार्टी के वर्कर भी उनको स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ लोग उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, बाकी जनता तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है और उनकी पार्टी के वर्कर और वोटर भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते। उनकी इस भाषा शैली से कांग्रेस के लोग खुद परेशान हैं। कांग्रेस कह रही है कि सत्ता पक्ष इस बात को लेकर खुश था कि राहुल गांधी रेस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी वर्सेस मोदी होने जा रहा है 2024 में। कोई राहुल गांधी वर्सेज मोदी नहीं होने वाला, कभी भी होने वाला नहीं। मोदी जी ने जो कर दिया वो कभी राहुल गांधी सपने में सोच नहीं सकते। मोदी जी ने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, मोदी जी 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मुफ्त में दे देने का काम किया, दसियों करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये साल में जा रहा है, 3.5 करोड़ लोगों को आवास दे दिया, कई लाख लोगों के घरों में बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दे देने का काम किया, शौचालय देने का काम कर दिया। ये जो मोदी जी ने कर दिया, इसीलिए तो कांग्रेस और विपक्ष उनको हटाने की बात कर रहा है कि गरीबों को ये सुविधाएं क्यों दे दी। गरीबों की दी गई सुविधाओं की वजह से कांग्रेस परेशान है, क्योंकि वो सत्ता में रह करके कभी गरीबों को सुविधाएं देने का काम नहीं किया, ना बिजली दी, ना कनेक्शन मुफ्त में दिया, ना सुविधाएं दी, ना आवास देने का काम किया। इससे विपक्ष परेशान है, इसलिए विपक्ष कभी NDA को हटाने की बात नहीं करता, BJP को हटाने की बात नहीं करता, मोदी जी को हटाने की बात करता। मोदी जी को कौन कौन लोग हटाने की बात कर रहे हैं, कौन कौन लोग मोदी जी से नाराज़ हैं? एक तो पाकिस्तान नाराज़ है क्योंकि 22 करोड़ जनता को वो पैसे से राशन नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ की जनता कह रही है एक मोदी हमको दीजिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता पाकिस्तान की सरकार से कहती है कि आप हमको आज़ाद करो, हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते, मोदी जी के साथ रहना चाहते। अफगानिस्तान के थ्रू जो ड्रग्स बड़े पैमाने पर हमारे देश में सप्लाई होती है, इसकी वजह से अफगानिस्तान नाराज़ है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया, इसकी वजह से आतंकवादी मोदी जी से परेशान है, वो उनको पसंद नहीं करते। चीन पसंद नहीं करता मोदी जी को, क्योंकि 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बनने लगे जो अब चीन से हमारे देश में नहीं आते, हमको लेना नहीं पड़ता। इसकी वजह से ये इनकी सुर में सुर मिलाने का काम, ये विपक्ष के लीडर भी उनकी मंशा को पूरी करने का काम करते हैं। मतलब ये है कि मोदी जी हट जाएंगे तो पटाखे छूटेंगे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और चीन में, आतंकवादी फायरिंग करेंगे, वो लोग खुश होने का काम करेंगे। उनके सुर में सुर मिलाने का काम विपक्ष कर रहा है, देश की जनता पूरी तरह समझ रही है और देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। फिर से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी। तो क्या आप राहुल गांधी पाकिस्तान और चीन को एक ही पंक्ति में देखते हैं? जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, जो विपक्ष बोल रहा है, वही तो चीन पसंद कर रहा है, वही पाकिस्तान पसंद कर रहा है, वही आतंकवादी पसंद कर रहे हैं, वही अफगानिस्तान पसंद कर रहा है, वही ड्रग्स बाहर से ला करके सप्लाई करने वाले लोग पसंद कर रहे हैं। तो सुर में सुर किसके मिल रहे हैं, किसकी इच्छा को पूरी करने का काम विपक्ष कर रहा है? एक सवाल मंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने गुंजाइश नहीं दी है कि अपील भी कर सकते हैं आप लोग, तो क्या ये जहां उन्होंने विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी का जैसे ही निष्कासन हुआ उन्हें लोकसभा से निर्वासित कर दिया गया, मकान छीन लिए गए, आनंद फानंद में सारे डिसीजन ले लिए गए, अगर चाहती तो सत्ता पक्ष इंतज़ार कर सकती? नहीं, सत्ता पक्ष का इसमें कोई रोल नहीं। एक व्यक्ति विशेष ने इस पर मुकदमा किया राहुल जी पर, उसमें कोर्ट ने निर्णय किया, कोर्ट ने जो निर्णय किया उसको निर्वाचन आयोग ने संज्ञान में लिया तो उसको जो है लोकसभा के स्पीकर ने उसको संज्ञान में लेकर के उस पर कार्यवाही करने का काम किया। अब जो कोर्ट का निर्णय आएगा उस पर जो है लोकसभा के स्पीकर निश्चित तरीके से माननीय जी उस पर निर्णय करेंगे। सत्ता पक्ष से या इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कोर्ट का निर्णय था। कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके सत्ता पक्ष पे ब्लेम लगाने का
लोगों को भ्रमित करने के लिए ब्लेम लगाने का प्रयास कर रही है। ये असफल प्रयास है, जनता पूरी तरह समझ रही है, जान रही है। जो राहुल गांधी को ये नहीं मालूम कि वो जब एक बार खुद ही बोल गए कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ, तो उनके बगल में बैठे हुए कांग्रेस के एक लीडर ने कहा ये मत बोलिए, तब उन्होंने अपनी बात को संभाला। उनको ये मालूम नहीं कि जिन लोगों ने वोट दिया क्या वो दुर्भाग्य से उनको दिया, उन मतदाताओं की बेइज्जती करने का, अपमानित करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। तो वो क्या बोलेंगे, क्या उनके मुँह से निकलेगा, ये राहुल गांधी जी को खुद नहीं मालूम। और इसलिए अभी सदस्यता बहाल होने का नंबर आएगा, जब तब आएगा, ठीक है, बहाल होगी, आएंगे पार्लियामेंट में, अच्छी बात है, कोई हम लोगों इसके लिए खिलाफत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी से वो जो डायलॉग बोलना शुरू कर दिए कांग्रेस के लोग कि वही संग्राम, वही चीज़ें, वही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप धमकाने की बात कर रहे हैं। अरे करो ना, जो जैसा बोलोगे वैसा फल पाओगे, जनता आपको उसी तरह का नतीजा देने का काम कर रही है। लेकिन जहां बीजेपी ने रेस से बाहर ही कर दिया था, तो ये तो मानेंगे कि अब दोबारा से 2024 में राहुल गांधी रेस में होंगे? और इंडिया INDA जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसमें भी अलग अलग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तैयार हो गए थे। देखिए ऐसा है, इसमें टूटन पड़ जाएगी और ना भी टूटन पड़े, INDIA जो बनाया, जिसको इंडिया बोलते हैं, ये भारत की जनता है, भारत गांव में बसा है, गरीबों के यहाँ बसा हुआ है, जो राष्ट्र प्रेम करते हैं उनके दिल में भारत बसा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 25 साल तक के विकसित भारत बनाने का, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, उसका एजेंडा पूरा तैयार कर दिया है। विपक्ष परेशान है कि आने वाले 25 साल तक के NDA की सरकार रहेगी, दूसरे की सरकार आने वाली नहीं। इसकी वजह से सब इकट्ठा होकर के INDIA बनाने का काम किया है। सब एक दूसरे को गरियाते थे, एक दूसरे की बुराई करते थे, अभी सभी आपस में फिर से लड़ेंगे, और आपस में लड़ेंगे ये जितने मजबूती से एकजुट होंगे, इनका 20-25% वोट विपक्ष का, वो कार्यकर्ता इनके साथ नहीं जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा, NDA के साथ खड़े होगा, और BJP को पिछली बार से ज़्यादा सीटों से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगा। एक आखिरी सवाल, आप चूंकि उत्तर प्रदेश से भी हैं, ज्ञान व्यापी मामले में जो मुस्लिम पक्ष हैं वो फिर से अदालत में, और उन्होंने मांग की है कि जो सर्वे कर रही है ASI उसे रोक दी जाए। अगर देखा जाए तो अभी तक में कई ऐसे सर्वे में चीज़ें मिली हैं जिससे कहा जा रहा है कि वहाँ पे मंदिर के अवशेष थे, तो क्या लगता है ये मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीतिक होता जा रहा है? देखिए राजनीतिक मामला नहीं है, ये कोर्ट का मैटर है। वहाँ पे ASI को जो कोर्ट ने निर्णय दिया है कि आज जाकर के सर्वे करिए, सर्वे में चाहे एक पक्ष हो, दो पक्ष, दोनों पक्षों के वादी प्रतिवादी और एडवोकेट रहेंगे, वकील रहेंगे, उनके पक्षकार रहेंगे, साथ में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, तो सच को सामने आने दीजिए, सच सामने आना चाहिए। सच सामने ना आए, ASI की सर्वे पर रोक लगाने के लिए कोर्ट जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना या मांग करना, इसका मतलब है सच से एक पक्ष घबरा रहा है, वही इस पर रोक लगाने की बात कर रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने दीजिए, लेकिन एक बात ज़रूर कहना है कि मस्जिद का नाम ज्ञानव्यापी नहीं हो सकता, इसलिए कि ये हिंदी शब्द है, आध्यात्मिक हिंदी शब्द है, और इसके नाम से मस्जिद नहीं हो सकती। मस्जिद के नाम उर्दू में या अरबी भाषा में या किसी स्थान के नाम से या किसी उनके पैगंबर के नाम से या किसी व्यक्ति विशेष के नाम से होते हैं, मगर हिंदी में और आध्यात्मिक शब्द के नाम पर नाम नहीं होता। ज्ञानव्यापी शब्द ही अपने आप में सिद्ध करता है कि ये मस्जिद नहीं थी। ETV से बात करने के लिए धन्यवाद। इस समय दिल्ली से कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्न।